हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक न्यू जॉब वैकेंसी को लेके, जो बेसिकली आपका 2024 का सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाला है आपका। अगर आपने थंबनेल ऑलरेडी यहाँ पर चेक किया होगा सो रेट आपको पता चल गया होगा कि ये किस डिपार्टमेंट की साइड से आपका जॉब वैकेंसी है। सो रेट ये आपका यहाँ पर क्या है कि DSSB की साइड से आपका यहाँ पर है, या फिर आप बोल सकते हो दिल्ली सबॉर्डिनेट की साइड से है आपका। तो ऑफिशियल नोटिस या फिर शॉर्ट नोटिस जो है वो आपका यहाँ पर क्या है कि जारी हो चुका है। टोटल पोस्ट की अगर आप बात करते हो तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, किस किस पोस्ट के लिए है, एज लिमिट आपका यहाँ पर क्या होगा, साथ में ही अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन आपका क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक शॉर्ट वे में अगर हम बात कर लें तो नॉर्मल सा आपका यहाँ पर क्या है कि अगर जस्ट हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली की साइड से है आपका, या फिर आप बोल सकते हो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये आपका यहाँ से जो वैकेंसी है वो आउट हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट आपका जॉब पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका आउट हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है आपका, LDC है, असिस्टेंट है और असिस्टेंट टीचर, यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी है वो आपका यहाँ पर रिलीज हुआ है। टोटल पोस्ट की हमने बात की थी तो यहाँ पर आपका क्या 4,214 आपके टोटल पोस्ट है। आपका जॉब कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब में आपका आता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। डेट आपका यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि है वो आपका यहाँ पर क्या है, 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी से आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.NIC.in पर। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑफलाइन फिल नहीं करना है। आपको जो भी चीजें करनी है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फिल करना है। जॉब का लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो आपका जो भी जॉब लोकेशन है वो आपका दिल्ली में ही होगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली में आप आने के लिए रेडी हो तो आप ये पूरा जो भी जॉब वैकेंसी है इसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। क्या क्या चीजें रहेंगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो ये सेक्शन ऑफिसर आपका हॉर्टिकल्चर के लिए आपका यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर, एक आपका क्या है न्यू दिल्ली के अंदर है। ये नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करते हैं तो 108 जो है वो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका क्या है, ये दिल्ली के अंदर आपका है और ये आपका यहाँ पर क्या है न्यू दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर अगर आप बात करते हो तो 89 है आपका, और न्यू दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका 19 पोस्ट आपको यहाँ पर शो किया गया। कोड नंबर आप ध्यान रख सकते हो, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, या फिर जब आपका जो मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जब आपको डिटेल यानी कि जिसके अंदर आपका यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें आपको मेंशन की गई होंगी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एज के लोग यहाँ पर क्या है कि आपका जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा आप डाउनलोड करेंगे। मे बी आपका क्या है कि जनवरी या फिर लास्ट तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको शो हो जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कोड नंबर आप ध्यान रख लीजिए, 803/23 आपका पोस्ट कोड है यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपका जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड है आपका, जूनियर स्टेनोग्राफर है, चाहे आपने हिंदी से किया हो चाहे आपने इंग्लिश के किया हो, या ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी हो सकती है क्योंकि स्टेनोग्राफर और इंग्लिश एंड हिंदी के लिए आपका क्या है कि ITI वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो ये आपका जॉब वैकेंसी रहेगा, आपका पोस्ट कोड रहेगा यहाँ पर 802/23। तो ये आपका क्या है कि इस पूरे के लिए आपका ये यहाँ पर क्राइटेरिया या फिर आपके नंबर ऑफ पोस्ट। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की बात करते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपका यहाँ पर क्या है कि 788 आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आपको दी हुई है। तो आप यहाँ पर अगर चेक करते हो ना जूनियर असिस्टेंट के लिए तो 1,672 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका बहुत बड़ा है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में जो भी चीजें हैं आपके, अगर आप एलिजिबल हो तो राइट आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि मे बी ये 2024 का सबसे बड़ा वैकेंसी जो है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है।
सेम इट इज आपका स्टेनोग्राफर के लिए, तो वहां पर आपका क्या है टोटल 143 आपकी वैकेंसीज है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं लोअर डिवीजन, सेम इट इज आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए भी आपका मांगा गया है। तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 2354 जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर दी हुई है। इस पर्टिकुलर आपका यहाँ पर क्या है कि LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए। नेक्स्ट सेम हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट टीचर है नर्सरी के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या है कि पोस्ट ऑफ द कोड यानी कि पोस्ट कोड की अगर हम बात करते हैं तो 817-23 है आपका। सारे पोस्ट ऑफ कोड आप ध्यान रखना क्योंकि ये जब आप यहाँ पर फॉर्म भरते हो साइड पर जाकर तो वहां पर आपका क्या है कि आप पोस्ट कोड अगर याद रखते हो तो आपको इजीली समझ में आता है कि कौन से पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्या है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए आपका दिया हुआ है। सेम इट इज आपका नर्सरी जिसमें आई थिंक मेल फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और उसके बाद तीन तीन जगह आपका दिया हुआ है, तो ये आपका दिल्ली लोकेशन के लिए, ये आपका एजुकेशन सिस्टम में यानी कि जो भी आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है वहां पर, और ये आपका न्यू दिल्ली के लिए। तो ग्रेड पे आप देख सकते हो आपका 4200 ग्रेड पे है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर 1455 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई। सेम इट इज एक और लार्ज आपका वैकेंसी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो आपकी वैकेंसीज तो कम है लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे लोग जो काफी टाइम से टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर क्या है कि अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये क्या करना है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो और सारी चीजें आप समझ सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या है अप्लाई करना है। सो डेट ये आपका यहाँ पर क्या है कि 2024 का सबसे बड़ा वैकेंसी था आपका यहाँ पर DSSB की साइट से। तो होप सो आप वेट करोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यानी कि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसके लिए। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि तो हमें पता है कि जो भी आपका यहाँ पर क्या है कि दिल्ली सबॉर्डिनेट की साइट से जो भी आपका यहाँ पर जॉब वैकेंसीज आता है या फिर उसका जो भी आपका प्रोसीजर रहता है वो बहुत फास्ट होता है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कंपैरिजन में हमें सबसे कम टाइम यहाँ पर मिलता है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो मैं भी आपका कोई एक पोस्ट यहाँ पर जरूर क्लियर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी और ये आपका बेसिकली शॉर्ट नोटिफिकेशन था। होप सो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली होगी जो आपके लिए यहाँ पर यूजफुल हो सकती है। बाकी अगर चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो रेड चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सो डेट उन्हें भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।